Today we will start dividing by a one digit number. In previous class you have studied what is quotient, dividend and remainder. Today we will start with divides a number by a single digit number. So let's have a look. See, whenever a number is given like this, 649 divided by 7. So first of all, what you have to do, you will write the table of 7. Okay, you can write in rough column 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 six are 42, 7 sevens are 49, 7 eights are 56, 7 nines are 63 and 7 tens are 70. Okay. So जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो 649 डिवाइडेड बाई 7. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस नंबर एंड दिस नंबर. अब यहाँ पे देखिए 7 है. ओके, दिस नंबर इज 6. अगर इस नंबर से, दैट इज़ द डिवाइज़र, इससे अगर हमेशा हम लोग हंड्रेड्स की प्लेस में शुरू करेंगे, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग वंस के डिजिट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं वी विल स्टार्ट विद द हाईएस्ट. तो हाईएस्ट हमारा ये क्या, देखिए वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स. तो सबसे बड़ा नंबर हंड्रेड्स पे कौन है, 6. अब यहाँ पे देखिए 7 है और ये 6 है. अगर ये वाला नंबर जो डिवाइज़र है इस नंबर से बड़ा हो तब हम लोग यहाँ के दो नंबर लेंगे. ओके, आगे आपको बताएंगे अगर इससे छोटा है तो क्या करना है. तो अब यहाँ पे हम लोग टू नंबर लेंगे. अब इस टेबल में हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो या तो इस नंबर के इक्वल हो, यानी 64 ही हो. अगर इस नंबर के बराबर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा. तो अब यहाँ पे अगर हम टेबल देखते हैं तो यहाँ पे कौन है, 63, जो इससे एक नंबर सिर्फ छोटा है. तो हम लोग क्या करेंगे, 7 9 63. ओके, 4 में से 3 गया 1 और हमारे पास बचा 9. अब फिर से टेबल में देखिए कौन सा नंबर है जो इसके एकदम बराबर है या इसके छोटा है. तो 21 तो बड़ा हो गया, तो इसके जस्ट बाद वाला कौन सा नंबर है, 14. 7 2 14, 9 में से 4 गए 5, 1 में से 1 गए 0. तो ये तो हमारा क्वेश्चेंट, ये हमारा डिवाइज़र, ये नंबर हमारा डिवाइडेंड. ओके, ये हमारा नंबर रिमाइंडर. ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू, मतलब ये वाला नंबर 649 इज इक्वल टू. अब हमेशा जैसे हम लोग कोई साइकिल चला रहे हैं, यानी घड़ी की सुई की तरह चलेंगे, हमारे पास पहला हम लोग क्या लिखे थे, डी इंटू क्यू प्लस आर. अब हमारे पास 649 पहले इधर लिख लीजिए. अब डी हमारा क्या है, 7. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग किस पे आ रहे हैं, क्यू पे 92 प्लस हमारे पास 5. ओके, अब यहाँ पे देखिए 92 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 टू ज़ा 14 का 4, 1 ऊपर गया, 7 नाइन ज़ा 63 और 1 64. हमें मिला 644 प्लस अगर हम 5 करेंगे तो 649. अब देखिए यहाँ भी 649 और यहाँ भी 649, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही. अभी मैंने आपको बताया था इस नंबर को, इसको देखते हैं. अगर मान लो हमारे पास नंबर है, फाइव टू सिक्स. ओके, अब हमें इसको 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, अब ये नंबर देखिए और ये नंबर देखिए. तो अगर ये नंबर छोटा है, अब ये नंबर तो छोटा है, यानी ये नंबर अगर छोटा है तो इस नंबर से जा सकता है, तो हम लोग एक ही सिंगल डिजिट लेंगे. और अगर ये नंबर मान लो 7 होता, यानी इससे बड़ा होता, तब हम दो नंबर लेते, लेकिन क्योंकि ये नंबर छोटा है इसलिए हम एक ही नंबर लेंगे, तो 2 की टेबल बोलेंगे. तो ऐसा नंबर 2 2 4 होता है, फिर 2 4 2 3 6 हो जाता है. तो 2 2 4, यहाँ पे बचा 1. हमेशा एक ही नंबर उतारना है. ओके, 12. 2 6 हमारा 12. फिर से उतारेंगे 6, तो हमारा 2 3 6. ओके, अब देखिए एक नंबर और देखिए समझने के लिए. नेक्स्ट नंबर है 4 5 8 9. ठीक है, अब हमारे पास नंबर है 4 5 8 9 डिवाइडेड बाई किस नंबर से, हमारे पास 6 से. ओके, अब 6 की टेबल आप लिख लीजिए यहाँ पे. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 20, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60. अब यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे 4 है, यानी ये नंबर क्या है, 6 से ये नंबर छोटा है, इसलिए हम लोग दो नंबर लेंगे. अब 45 के आसपास का कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 48 तो बड़ा हो गया, ये क्या है, 42. तो 6 7 42, 5 में से 2 गए 3.
ठीक है, ये ज़ीरो हुआ। अब यहाँ से हम उतारेंगे 8, 38 है। फिर से इसमें नंबर खोजिए कौन सा है, तो इसके बाद देखिए क्या 6 6 6 6 हमारा क्या हुआ 36। फिर से उतारा 2, ऊपर से उतारा आपने 9। अब फिर से इसमें नंबर देखिए कौन सा नंबर हो सकता है 24, 6 4 24, ये हमारा बचा 5। ओके, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, पहले ये नंबर लिखेंगे 4 5 8 9 इज इक्वल टू, अब घड़ी की सुई की तरह पहले 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 64 प्लस 5। अब अगर हम 764 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, ऊपर गया 2 6 6 36, 37 38 का 8 आपके पास बचा, 3 6 7 42 43 44 45। ओके, आपके अब 4 5 8 4 प्लस इसमें 5 जोड़ोगे तो 4 5 8 9, और हमें हमारे पास 4 5 8 9, यानी ये दोनों नंबर हमारे क्या है इक्वल, दैट मीन्स हमारा सम क्या है करेक्ट। ओके, अब देखिए ये तो थे हमारे ऐसे, है ना। अब अगर हमारे पास कोई नंबर है मान लो 7 9 8 2 डिवाइडेड बाई 7। ओके, अब हम लोग 7 की टेबल बोलेंगे, ये और ये तो बराबर है ना, तो हम 1 से चला जाएगा, 7 1 7 7, यहाँ आया 0, ऊपर से उतारा 9। फिर से आपको पता है ये 9 है और 7 है, नहीं एक सिंगल डिजिट से हो जाएगा, 7 1 7 9 7 2, ऊपर से उतारा आपने 8। अब 7 की टेबल बोलिए, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28। ओके, तो ये हमारा 0 0 होगा। अब हमें ऊपर से उतारना है 2। अब देखिए ये जो 7 है और ये 2 है, अब 2 तो छोटा है, अब 7 सबसे, तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो इससे भी छोटा हो, तो अगर हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 करते हैं तो हमें मिलता है 0, तो हम करेंगे 7 0 0 0, इसको खाली नहीं छोड़ना है, 2 पे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे पास एक नंबर ही उतारा हुआ है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको भी क्लियर करना है, तो 7 0 0 0, तो हमें क्या मिला 2। तो ये हमारा क्या है रिमाइंडर, ये हमारा क्वेश्चंट, ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा डिवाइडर। ओके, क्लियर। देखिए इसी तरह का एक सम और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब एक्सरसाइज आपकी सेल्फ प्रैक्टिस 5A है ना। 5A में कोई नंबर हम लोगों के जैसे 1 करते हैं हम लोग, बाकी 365 365, और उसको डिवाइड करना है आपका 3 से। ओके, अब ये 3 है और ये 3 है, तो 1 से चला जाएगा, 3 1 3 0, ऊपर उतारा 6, 3 2 6, तो आपका ये वो 0, ऊपर से उतारा 5, तो क्या हुआ 3 1 3 3 2 नहीं होगा 6, ज़्यादा हो जाएगा 3 1 3, तो 5 में से 3 गया, आपका आया 2। ओके, अंडरस्टूड। तो ये तो थे हमारे डिवाइड, है ना। अब इस एक्सरसाइज में सेल्फ प्रैक्टिस 5A है, कुछ मैं आपको सम दूंगी, वो आप लोग खुद अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब इसमें देखिए एक सम आपको समझाते हैं, जैसे क्या करना है इसमें, क्या है डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। खाली इसमें हमें क्या करना है, क्वोशंट पता करना है और रिमाइंडर पता करना है। ओके, इसमें हमें चेक नहीं करना, चेक हमें दूसरे क्वेश्चन में करना है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्या है, 12 की टेबल तो आती है आपको, अब आपको 21 की टेबल नहीं आती, तो 21 की टेबल वाला सम होगा, तो क्या करोगे इस तरह का 841, ओके, डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। अब 21 की टेबल के लिए 21 1 21 आपको पता है, तो ऐसा नंबर हो रही है कि ज़्यादा आगे ना जाए। अब 21 2 क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 1 2 2 2 4, 21 3 3 1 3 3 2 6, 21 4 4 1 4, और 2 1 8। देखिए हमारे पास 84 आ गई, इसलिए हम इससे आगे नहीं जाएंगे, तो 21 4 8 4, ये 0 0 आया, ऊपर से उतारा 1, अब ये इससे नहीं जाएगा, तो 21 0 0। ओके, तो ये हमें मिला क्वेश्चंट और ये हमारा मिला रिमाइंडर। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चंट और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। मैं कुछ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भेजूँगी, ठीक है ना, कल की वीडियो में, तो आप इसको कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिवाइड एंड चेक द डिवीजन, तो इसमें से एक करते हैं हम लोग 3 2 9 3 8। ओके, अब 3 की टेबल है, अब ये नंबर छोटा है, इसलिए हम लोग 2 नंबर लेंगे, आपको पता है 3 10 30 होता है, इसलिए 3 9 27, 9 में से 7 गए 2, ऊपर से उतारा 3, 23 है, तो 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 की टेबल में 3 24,
थ्री सेवन ज़ार 21, यहाँ पे उतरा 2, ऊपर से आपने उतारा 8, फिर से 39 ज़ार 27, यहाँ बचा 1। अब हमें फॉर्मूला लिखना है, तो पहले हमें ये वाला नंबर चाहिए, 2938 इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, 2938 इधर ही लिखे रहिए। डी क्या है आपका, यहाँ से स्टार्ट करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई क्यू क्या है 979 प्लस आपका रिमाइंडर क्या है 1। अब रफ कॉलम में 979 मल्टीप्लाइड बाई 3, 39 से 27 का 7, 2 ऊपर गया, 37 से 21, 22, 23 का 3, 2 ऊपर गया, 39 से 27, 28, 29 ये आया आपके पास, 2937 प्लस 1 इज इक्वल टू 2938 इज इक्वल टू, फिर से क्या आया, 2938 इज इक्वल टू 2938, यानी हमारा चेक हो गया, इट इज़ वेरीफाइड। ओके, यानी हमारा ये क्वेश्चन सही है। ओके, समझ आया, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी आप लोग करोगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।